हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB की तरफ से बिल्कुल अभी एक नोटिस आया है, तो उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छे लगते तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 318 अभी आया है। ठीक है, रिजल्ट नोटिस है, पोस्ट कोड है यहाँ पर 12/20/2020 की वैकेंसी थी। ठीक है, जाहिर सी बात है जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर का यहाँ पर रिजल्ट आया है। ठीक है, देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 4 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, OBC में 2 हैं, SC में 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मार्क्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, जनरल की जो मेरिट गई वहाँ पे 83.5 गई है। ठीक है, OBC की 76.75, SC की 68.5। ठीक है, बस ST नॉट क्वालिफाइड और EWS नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे OBC कैटेगरी में एक बच्चा है जो यहाँ पे ये है यहाँ पे। ठीक है, OBC यहाँ पे इसका रोल नंबर है। SC कैटेगरी में भी एक बच्चा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है। तीन बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि रिजेक्ट हो चुके हैं, इस वजह से उन्हें कंसिडर नहीं किया यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में। क्योंकि अब आपको DSSB का पता होगा, DSSB हमें यहाँ पे क्या है, वेटिंग लिस्ट का जो वो होती है वो भी पब्लिक डोमेन पे डालती है। तो पहले क्या होता है, पहले उसे पब्लिक डोमेन पे नहीं डालती थी, तो अभी ने ये यूज़र डिपार्टमेंट को भी और पब्लिक डोमेन पे भी यहाँ पे ये अपलोड इन्हें करना मैंडेटरी है। क्योंकि DSSB का मैंने आपको बताया था नोटिस, मैंने आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा जो नोटिस है, दूसरा नोटिस यहाँ पे रिजेक्शन नोटिस इसी पोस्ट को लेकर जो मैंने बताया था। यहाँ पे तीन बच्चे जो रिजेक्ट हुए वो ये हैं। क्यों रिजेक्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे, मतलब जो टाइम इन्हें मिला था उसके बीच में इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिजेक्ट हो चुके हैं। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया, कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।